क्या हुआ? हाँ अपोस्टल जी, अद्भुत टेस्टमनी है। ब्रदर बिहार से आए हैं और ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर महीने में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह कोमा में चले गए थे और 10 दिन लगातार वेंटिलेटर के ऊपर रहे। ये बोल नहीं रहे थे, खा नहीं रहे थे। अपोस्टल जी, इनकी फैमिली यहाँ पे आई, आपसे ले हैंड प्रार्थना करवाई, तो आपने उनको बोला कि पूरे 11 बजे नेक्स्ट डे वो कोमा से बाहर आ जाएगा। अपोस्टल जी, जब उन्होंने यहाँ से फोन किया 11 बजे, वो बोल रहे हैं कि ये बातें कर रहे हैं, इनको होश आ चुका है। अपोस्टल जी, आज ये गवाही देने के लिए आए हैं कि अगर मैन ऑफ गॉड मेरे लिए प्रार्थना ना करते तो मैं मर जाता, मैं खत्म हो जाता। आज ये जीवंत प्रभु की हजूरी में खड़ा है। भाई कैसा लग रहा है, क्या हुआ आपकी लाइफ में, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। 28 अक्टूबर को मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, सामने गाय थी, मोटरसाइकिल सामने लड़ गया था, जिसके वजह से गाय तो वहीं मर गई, मैं वहां पे गिरा और कुमा में चला गया था। कटनी की बात है, कटनी से डॉक्टर ने 75% बताया कि 75% जीने का, मरने का उम्मीद है, 25% जीने का उम्मीद है। मेरी सिस्टर को पता चला, सिस्टर यहां पे आई चर्च में, फादर से फिर बात की, फादर से बात करने के बाद फादर से प्रे कराई, प्रे कराने के बाद फादर ने बोले कि 3 नवंबर को 12 बजे के समथिंग तुम्हारे भाई को आँख खुलेगा। वही जो फादर बोले वही हुआ, 12 बजे के समथिंग आँख खुला और होश आया, तब से अभी तक मैं जिंदा। आपकी कंडीशन डॉक्टर ने बोला था मर चुके हैं, 75% यू वर डेड। हाँ, मर गए, आप कंप्लीटली डेड थे 75%। यस, 25% चांस थी। ये फोटो जो साथ में है ये आपकी फोटो है, आप देखें कल इस या स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ही वॉज कंप्लीटली अबाउट टू डाई एंड हिज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। यू कैन सी ही वॉज ऑन अ वेंटिलेटर एंड देर वॉज अ नॉट होप फॉर लाइफ, पर परमेश्वर ने इनकी सिस्टर को यहां पर भेजा, सिस्टर। और आप देख सकते हैं जिसे बोला गया था इस, ये बचेगा नहीं। कब प्रार्थना हुई, कितना टाइम दिया था आपको? समथिंग 1 नवंबर को यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो उन्होंने आके यहाँ पे प्रे कराया, जब हमारी होश आया, जब डॉक्टर ने बता दिए कि संपूर्ण उपचार अच्छे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमको भी बताती रही कि यूट्यूब के नाम से सर्च करो और प्रे सुनते रहो। उसी समय से हम अपने पूरे फैमिली में सुनते हैं, हमारी मैडम हो गई, हम, हमारे बच्चे सब, उसी समय से हम ईसा मसीह को मानते हैं, जिनके वजह से आज दुनिया देख रहा हूँ। हाँ। इस दुनिया के बीच में खड़ा हूँ या आप लोग के साथ में खड़ा हूँ, ईसा मसीह की वजह से। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है, सारे बोलो सारे, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500008000।